थानेसर हल्के से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष सुधा का चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर है। सुधा रोज हल्के के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो मिर्जापुर गांव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्हें सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों को संबोधित करते हुए सुधा ने बताया कि आज किस प्रकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहूंगा देशों में जो भारतीय रहता है उसको भारतीय कराने का हक दिलाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा था, युद्ध रोक के भारतीय स्टूडेंट को लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 370 धारा तोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 500 वर्ष लगे, 5,00,000 लोगों ने बलिदान दिया तब जाके कहीं हमारा राम मंदिर बना। वहीं सुभाष सुधा का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम सैनी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है, इसलिए जीत बीजेपी की होगी। साथियों, पत्रकार बंधुओं से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मिर्जापुर नहीं सारे गांव मिर्जापुर बने हुए आज। इतना बड़ा आशीर्वाद देखने मिला आज, मिर्जापुर वालों ने तो कमाल ही कर दी। बच्चा बच्चा देखो किस प्रकार से आशीर्वाद रहे हैं, मेरी बहनें मेरे भाई, इतना बड़ा रोड शो निकाला है इन्होंने। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि जनता हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रति विश्वास रखकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास रखकर, हमने जो काम किए हैं उनके प्रति विश्वास रखकर आज जनता हमें वोट दे रही है। मैं जनता का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कल सीएम आएंगे, कल आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा में 7:00 अपना कड़ी मारकंडा में पहुँच रहे हैं, तो मैं सबसे अनुरोध किया कि सभी मेरे साथी वहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी सुबोधन को सुनेंगे। साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मुझे पता लगा मिर्जापुर में तो बड़े बड़े लोग यहाँ आकर गरीब आदमी को धमकाते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि 5 तारीख के बाद आप घबरा जाओगे, ये गरीब आदमी नहीं घबराएगा, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बहरहाल चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है और सुभाष सुधा पूरी जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रैलियों में जुट रही भीड़ उन्हें जीत की हैट्रिक के करीब पहुंचाते नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।